शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इंडोनेशिया ने बीते दिनों जो पाम तेल निर्यात पर रोक लगाई थी, अब वह उसी के गले की फांस बन गई है। इंडोनेशिया से 1.16 मिलियन टन पाम तेल निर्यात के परमिट जारी कर दिए हैं। त्वरित गति से इसके शिपमेंट रवाना होंगे। इसका असर ये हुआ कि मलेशिया का पाम तेल वायदा 10 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। त्वरित निर्यात योजना 31 जुलाई तक लागू है। भारतीय आयातक तेजी से पाम तेल आयात कर रहे हैं। इधर आयात बढ़ने के आसार बनते ही भारत में खाद्य तेलों का बाजार दो दिनों से धीरे धीरे टूट रहा है। USDA के अनुसार जून महीने में सोया तेल के स्टॉक में बढ़ोतरी का अनुमान है। 27 मई से 11 जून के बीच अर्जेंटीना सोया तेल के भाव $104 प्रति टन की गिरावट आई है। आयातक देशों से मांग कमजोर पड़ने से अर्जेंटीना सोया तेल के दामों में लगातार कमी कर रहा है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी पाम तेल की बिकवाली पर जोर दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में भारतीय बाजारों में तेल की उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। इसके चलते मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्लांटों द्वारा दामों में कटौती कर बिकवाली की जा रही है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को इंदौर में सोयाबीन तेल ₹15 टूटकर ₹1500 प्रति 10 किलो, पाम तेल इंदौर ₹15 घटकर ₹1525 प्रति 10 किलो रह गए थे। घटते दामों पर भी खरीदारों की रुचि बेहद कमजोर बनी हुई है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।